हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो टॉपिक है लाइफ साइकिल पैटर्न्स इन हेलमिंथीज पैरासाइट्स। तो हेलमिंथीज पैरासाइट्स जो हैं उनका लाइफ साइकिल किस तरीके से लाइफ साइकिल पैटर्न है ये हम डिस्कस करेंगे। ये इसकी वीडियो मैं लेट्स अपलोड कर रही हूँ बिकॉज मुझे लगा था कि मैंने ये टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया है, बट मैंने अपलोड नहीं किया था ये। अगर आप एमएससी जूलॉजी से कर रहे हो तो इस आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये हम वीडियो टू पार्ट्स में डिस्कस करेंगे बिकॉज इसमें हम प्लेटे हेलमिंथीज और एसके हेलमिंथीज नेमेटोड्स जो हैं उनके लाइफ पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम एक दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पैरासाइट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पैरासाइट्स आपको पता ही होगा जो दूसरे यानी होस्ट बॉडी के अंदर या फिर बाहर रहते हैं, एक्टो पैरासाइट या एंडो पैरासाइट की तरह रहते हैं, तो उनको हम पैरासिटिक हेलमिंथीज कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पैरासिटिक हेलमिंथीज की बात करें तो ये इसमें अगर हमको क्या क्या डिस्कस करना है, इसमें हमें प्लेटी हेलमिंथीज में सबसे पहले ट्रेमेटोडायसिस क्या होता है, यानी क्लास ट्रेमेटोडा से जो डिज़ीज़ होता है होस्ट में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्लास ट्रेमेटोडा में पैरासाइट्स क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और ये जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं उनको ट्रेमेटोडायसिस कहते हैं। इसी में आपका जो प्लेटी हेलमिंथीज है, इस फाइलम में एक क्लास और होता है सिस्टोडा। तो सिस्टोडा क्लास में हम सिस्टोडायसिस क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो सिस्टोडायसिस में हम टैपवॉर्म पढ़ते हैं जो कि एंडो पैरासाइट होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है जो आपका ट्रेमेटोडायसिस यानी क्लास ट्रेमेटोडा जो कि फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज से बिलोंग करता है, इसमें हम फ्लैट वॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको फ्लूक्स कहा जाता है। ये एक्टो पैरासाइट्स भी होते हैं और एंडो पैरासाइट्स होते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो सेकेंड पार्ट होगा, उसमें हम ये दोनों डिस्कस करेंगे, नेमेटोडायसिस के बारे में यानी राउंड वॉर्म्स फाइलम एसके हेलमिंथीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम एसाइक्लोस्टोमा यानी हुकवॉर्म क्या होता है उसके पैरासिटिक लाइफ पैटर्न को डिस्कस करेंगे, और इसमें हम उचेरिया ब्रेनक्राफ्टी का भी डिस्कस करेंगे, उचेरिया का भी आता है, और इसमें एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स, इसमें एस्केरिस का भी डिस्कस करेंगे और उचेरिया का डिस्कस करेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक करके एक एक के बारे में। पहला जो एग्ज़ाम्पल आपका हम आज हम क्लास ट्रेमेटोडा का देख रहे हैं, ट्रेमेटोडा, ठीक है, ट्रेमेटोडा, क्लास ट्रेमेटोडा का हम देख रहे हैं। तो इसमें ये फाइलम क्लास किसका, फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज का। तो इसके जो एग्ज़ाम्पल हैं, इसमें फेशियोलाइसिस आता है यानी जो डिजीज़ कॉज करते हैं जिसको हम फेशियोला कहते हैं। तो फेशियोला से जो डिजीज़ होता है उसको फेशियोलाइसिस कहते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइनल फ्लूक होता है। उसके बाद आता है सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा को हम ब्लड फ्लूक कहते हैं, और ये जो डिजीज़ कॉज करता है उसको सिस्टोसोमाइसिस कहते हैं। तो पहला जो अगर हम डिस्कस करेंगे वो हम सिस्टोसोमाइसिस डिस्कस करेंगे। तो ट्रेमेटोडायसिस क्या होता है, अभी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था। तो ये जो ट्रेमेटोडायसिस होता है ये क्लास ट्रेमेटोडा से जो स्पीसीज बिलोंग करते हैं उनकी वजह से जो डिजीज़ होता है उसको कहते हैं, और ये फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज से बिलोंग करता है। तो ये आपको पूरा रिटन में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको मैं ओरली बता रही हूँ, आपको रिटन में भी मिल जाएगा। ट्रेमेटोडायसिस ऑल्सो नोन एज ट्रेमेटोड इन्फेक्शन, इसको ट्रेमेटोड इन्फेक्शन भी कहते हैं, आर ए ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज बाई द पैरासिटिक ट्रेमेटोड्स। ओके, तो क्लियर हो गया जो मैं आपको बता रही थी। तो इसमें एग्जाम्पल में आता है फेशियोलाइसिस होता है, सिस्टोमोसोमाइसिस होता है। फेशियोलाइसिस होता है कॉज्ड बाई फेशियोला हेपेटिका की वजह से कॉज ये होता है, और ये लिवर फ्लूक भी कहते हैं या सिर्फ लिवर फ्लूक भी कहते हैं। सिस्टोसोमाइसिस होता है सिस्टोसोमा की वजह से होता है, और ये इसको हम ब्लड फ्लू भी कहते हैं। सो सबसे पहले इसके लाइफ पैटर्न को डिस्कस करते हैं, सिस्टोसोमाइसिस के लाइफ पैटर्न को। सिस्टोसोमाइसिस इज कॉज्ड बाय द सिस्टोसोमा आल्सो नोन एज ब्लड फ्लू ऑफ मैन एंड अदर एनिमल्स। सो बेसिकली ये डाइजेनेटिक होते हैं, सिस्टोसोमा डाइजेनेटिक होते हैं। डाइजेनेटिक उन स्पीसीज को कहते हैं जो कि टू होस्ट में उनका लाइफ साइकिल डिपेंड करता है, यानी टू होस्ट के बॉडी में रहते हैं।
यूनिसेक्सुअल्स भी हो सकते हैं, डायोसियस फ्लूक भी हो सकते हैं, सोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी दिखाते हैं। द लाइफ साइकिल इन्वॉल्व अ सिंगल इंटरमीडिएट स्नेल होस्ट, इनमें दो होस्ट होता है, एक होता है इंटरमीडिएट स्नेल होस्ट होता है जिसे हम सेकेंडरी होस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपका स्नेल होता है, सेकेंडरी होस्ट स्नेल होता है, जो द एग्स पास आउट विद द यूरिन और फीसेस फ्रॉम मैन एंड हैच व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर। तो अगर आपको बात बताएं कि जो प्राइमरी होस्ट होता है, यानी इसका जो प्राइमरी होस्ट है या जिसे हम डेफिनेट होस्ट कहते हैं, वो ह्यूमन होता है यानी मैन होता है। तो जो एग होता है ह्यूमन बॉडी के यूरिन से या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके थ्रू बाहर निकलता है, और या इन केस अगर पानी के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, हैच हो जाता है, यानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, अब मेरासिडियम में, किस में, मेरासिडियम में, मेरासिडियम लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। जो एग होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेरासिडियम लार्वा में हैच आउट हो जाता है। ओके, द मेरासिडियम बोर्स इनटू द स्नेल होस्ट एलोंगेट्स टू बिकम अ ट्यूबुलर स्पोरोसिस्ट एंड प्रोड्यूस अ सेकेंड जनरेशन ऑफ स्पोरोसिस्ट विच इज सर्केरी विथ फॉग्ड टेल। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब ये मेरासिडियम लार्वा एग से हैच आउट हो जाता है तो ये किस में जाता है, ये इनवर्ड मतलब ये एंटर करता है किसकी बॉडी में, स्नेल की बॉडी में। ये मेरासिडियम लार्वा क्या करता है, स्नेल की बॉडी में एंटर करता है और स्नेल की बॉडी में जाके ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसे स्पोरोसिस्ट लार्वा कहते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोसिस्ट में। एंड देन ये सेकेंड जनरेशन ऑफ स्पोरोसिस्ट भी प्रोड्यूस करता है जो कि सरकेरी होता है, जिसमें टेल होता है, फॉग्ड टेल होता है इसमें, जो कि सरकेरिया लार्वा होता है जिसे कहते हैं। इसमें बेसिकली जो ट्रेमेटोडाइसेस होते हैं उनमें ये लार्वल स्टेज होता है, पहले वो मेरासिडियम में कन्वर्ट होंगे, देन उसके बाद ये स्पोरोसिस्ट में, फिर रेडिया लार्वा में, फिर सर्केरिया में, फिर मेटा सर्केरिया में। लेकिन यहाँ पे जो इन इन सब में क्या होता है, रेडिया स्टेज नहीं पाया जाता है, रेडिया स्टेज डज नॉट अकर, एंड द सर्केरी इन्फेक्ट द फाइनल होस्ट। अब ये सर्केरी होता है ना, ये बाहर आता है स्नेल की बॉडी से, एंड ये सर्केरी क्या होता है, इन्फेक्ट करता है फाइनल होस्ट को जो कि क्या होता है, मैन होता है, बाय पिनेट्रिंग हिज स्किन, उसकी स्किन को पिनेट्रेट करके। आफ्टर पासिंग थ्रू द हार्ट एंड लंग्स दे रीच द लीवर वेयर दे फीड ऑन ब्लड ग्रो एंड माइग्रेट टू देयर फाइनल हैबिटेट। तो ये हार्ट लंग्स से होकर लीवर तक जाती हैं, फिर ब्लड पे फीड करती हैं, ग्रो करती हैं, फिर वो अपने फाइनल हैबिटेट तक चली जाती हैं। द इन्फेक्शन ऑफ सिस्टोसोमा कॉजेज वेरियस सिम्टम्स कॉज करता है, जैसे कि एलर्जी कॉज करता है, इचेज होता है, रैसेज होता है, फीवर होता है, स्नोफीलिया एक्सेट्रा, ये सिम्टम्स होती हैं जो कि कॉज करता है। आपको ये नहीं बताया मैंने यहाँ पे कि जो स्नेल की बॉडी से कौन सा लार्वा रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे सर्केलिया लार्वा जो होता है ना, ये रिलीज होता है स्नेल की बॉडी से वाटर में एज अ फ्री स्विमिंग। ओके, बाकी जो आपका ये स्टेजेस होता है, स्पोरोसिस्ट और सर्केरी लार्वा जो होता है, ये सारी स्टेजेस किस में हो रही हैं, स्नेल की बॉडी में। जब मेरासिडियम लार्वा एंटर करता है स्नेल की बॉडी में तो ये मतलब जनरेशन जो लार्वा का है ये फॉर्म करता है। ओके, ये ग्रो करता है, यहाँ पे आपको पता चलेगा ये ग्रो करके मेच्योर या फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ये अपने फाइनल हैबिटाट में चला जाता है। ये मैंने आपको बता दिया कि अपने फाइनल हैबिटाट में चला जाता है जो कि रेक्टम होता है। फाइनल हैबिटम क्या होता है, रेक्टम होता है। चलिए, इन्फेक्शन जो आपको कॉज करता है ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद से जो ये ड्रग यूज़ किया जाता है सिस्टोमाइसिस को ट्रीट करने के लिए, जो कि एंटीमोनी ड्रग होता है, जिसको हम टार्ट्रामेटिक फ्यूडीन कहते हैं या फिर एंथियोमेलिन कहते हैं। क्लियर।
सो ये ड्रग यूज़ होता है। आपको एक डाउट क्लियर होगा कि अगर ये टेल वाला जो सर्केरी था, ये तो इसमें टेल डेवलप हो जाता है, तो क्या ये ऐसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर, होस्ट बॉडी के अंदर पिनेट्रेट करता है? जब ये पिनेट्रेट करता है ना, तब इस के दौरान ये अपने टेल को खुद सेड ऑफ कर देता है, यानी हटा देता है, ठीक है? तो ये टेल हट जाता है सर्करी से, क्लियर? ये आपको याद रखना है, अपने जो सर्किरी जो है वो अपना तेल को लूज कर देता है, क्लियर? तो जब ये पेनिट्रेशन के प्रोसेस होती है, तो ये तेल का लॉस हो जाता है, क्लियर? ये आपको अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं, तो डायग्राम कैसे आप बना सकते हो कि लार्वल फॉर्म ऑफ डाइजेनेटिक ट्रेमेटोड्स, तो ये ट्रेमेटोड्स के क्लास के जो स्पीसीज है उनका है, ये ट्रेमेटोड्स का है, जिसमें अगर आपको रेडिया लार्वा स्किप करना है तो आप कर सकते हो। रेडिया लार्वा सिस्टोसोमा में नहीं पाया जाता है, तो इसको यहाँ पे कट कर सकते हो। अदरवाइज ये पूरा जो डायग्राम मैंने बनाया, आपको एक बार मैं समझा देती हूँ, उसकी इमेज भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो जैसे कि जो एग होता है, जो कि अनएम्ब्रियोनिक होता है, जो प्राइमरी होस्ट होता है, ये सिप भी हो सकता है, कैटल भी हो सकता है, किस में? ट्रिमेटोड्स में। लेकिन अगर हमने सिस्टोसोमा में पढ़ा, तो ये प्राइमरी होस्ट मैन था। इसके यूरिन या फिसेस से ये जो एग था, ये रिलीज होता है, इसको हम डायग्नोस्टिक स्टेज कहते हैं। यहाँ से एग जाता है वाटर में, अब ये एग क्या बन जाता है, एम्ब्रियोनेटेड हो जाता है। अब ये एग वाटर में, अगर वाटर के कंटेक्ट में आता है, तो ये क्या होता है, मेरासीडियम लार्वा बन जाता है। जो एग है, ये मेरासीडियम लार्वा में हैच आउट हो जाता है। उसके बाद ये मेरासीडियम लार्वा जो है, ये पिनेट्रेट करता है स्नेल की बॉडी के अंदर, और वहाँ पे जाके ये स्पोरोसिस्ट बनाता है, मतलब ये लार्वल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। किस में? ये स्नेल की बॉडी के अंदर ही हो रहा है, ये स्पोरोसिस्ट लार्वा बनाता है। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिस्टोसोमा में ये रेडिया लार्वा नहीं होता। अगर आप ट्रेमेटोड्स की बात करेंगे, तो ये सारी स्टेजेस होती हैं, रेडिया लार्वा भी होता है, लेकिन अगर हम सिस्टोसोमा में पढ़ रहे हैं, तो ये रेडिया लार्वा नहीं बनाता है। यहाँ से ये सर्केरी लार्वा बनाता है, सर्केरी लार्वा भी स्नेल में बनता है, जो कि जिसमें फॉग्ड टेल डेवलप हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, ये रिलीज होता है, किसके थ्रू? स्नेल की बॉडी से रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद ये फ्री स्विमिंग सर्केरी के रूप में पानी में रहता है, और इसमें वाटर प्लांट्स पे ये रहता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये वाटर प्लांट्स के थ्रू या मेटासर के, जैसे कि प्लांट्स होता है, वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं, तो वहाँ से उसके थ्रू ये क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है, पिनिट्रेट होता है, और यहाँ पे लॉस होता है किसका, टेल का, क्योंकि ये सर्केरिया लार्वा में टेल है, तो वो उसका लॉस होता है। तो ये इसका ओवरव्यू था, इसकी डायग्राम भी मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये सिस्टोसोमा का है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सर्केरिया लार्वा जो है, ये टेल है, और यहाँ से ह्यूमन बॉडी में रेक्टम में, इसका रेक्टम जो होता है, इसका हैबिटेट होता है। तो यहाँ से सिस्टोसोमा जो क्या है, एग जो है, यहाँ से रिलीज़ होता है, फिसेस के थ्रू एग रिलीज़ होता है, या फिर स्टूल या यूरिन के थ्रू, या फिसेस स्टूल जो भी कह सकते हैं, यहाँ से रिलीज़ होता है। ये रिलीज़ होने के बाद ये मेरासीडियम लार्वा बनाता है, जो कि वाटर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद, यहाँ से ये मेरासीडिया लार्वा जो है, स्नेल की बॉडी के अंदर पिनेट्रेट करता है। उसके बाद ये क्या बनाता है, मेरासीडियम की, अगर लार्वा की बात करें, तो इसका स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बता दूंगी, ये इस तरीके से बनता है, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे ये मेरासीडियम लार्वा इस तरीके से बनता है। उसके बाद ये फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोसिस्ट लार्वा बनाता है। इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, ये नहीं बनाएंगे तब भी चल जाएगा। बस ये लार्वल का, एग का स्पोरोसिस्ट, ये मेरासीडियम पिनेट्रेट कर गया, इसके बाद ये स्नेल की बॉडी के अंदर क्या होता है, डेवलप हो जाता है स्पोरोसिस्ट लार्वा में। स्पोरोसिस्ट लार्वा अब क्या होता है, स्पोरोसिस्ट लार्वा अब सर्केरी लार्वा बनाता है, जो कि स्नेल की बॉडी से रिलीज़ हो जाता है वाटर में। वाटर में रिलीज़ होने के बाद ये सर्केरी जो होता है, ये ह्यूमन की बॉडी में जाता है, पिनेट्रेट करता है। इस दौरान ये अपने टेल को खो देता है, टेल का लॉस होता है, और इसके बाद ये सिस्टोसोमोला या सिस्टोसोमेली कहते हैं इसको, ये हम ह्यूमन की बॉडी में आता है, ये हार्ट ब्लड को सक करते हुए मैच्योर हो जाता है, फिर ये फाइनल हैबिटेट में चला जाता है। यहाँ से ये एज अ एग की तरह एडल्ट बन जाता है, एडल्ट वॉर्म बन जाता है, और जो एडल्ट पेयर वॉर्म होते हैं वहाँ पे जाके
इंटेस्टाइन और ब्लेडर में क्या करते हैं, एग ले करते हैं, एग लेने के बाद ये फिसेज या यूरिन के थ्रू फिर से रिलीज होता है, ये साइकिल रिपीट होता रहता है, तो इस तरीके से ये साइकिल रन करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आपको ये क्लियर हो गया ना, जो अभी मैंने आपको इमेज दिखाया उसमें रेडियल आर्वन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द फेशियोलाइसिस। फेशियोलाइसिस या फेशियोला हिपेटिका में लाइफ पैटर्न कैसा होता है, पैरासिटिक लाइफ पैटर्न, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फेशियोला जो है ये भी ट्रिमेटोरा में ही आता है, और इस जो डिजीज़ कॉज करता है उसको हम फेशियोलाइसिस कहते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ फेशियोला हिपैटिका स्टार्ट विद द फीमेल लेज, जो फीमेल फीमेल फेशियोला होती है एग ले करती है इन द लीवर ऑफ एन इन्फेक्टेड ह्यूमन बॉडी में। लीवर में क्या करती है, इन्फेक्टेड होते हैं जो ह्यूमन बॉडी, उन उसके लीवर में जाके एग ले करती है फीमेल फेशियोला। इमेच्योर जो एग होता है वो इमेच्योर होता है, आर डिस्चार्ज इन बाइलरी डक्ट एंड टेकिन आउट इन द फिसेस। तो ये फिसेस के थ्रू बाइलरी डक्ट के थ्रू होते होते जो स्टूल होता है उसके थ्रू ह्यूमन बॉडी के बाहर आता है, जो कि इमेच्योर होता है। इफ लैंडेड इन वाटर, ये जब वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है द एग बिकम्स एम्ब्रियोनेटेड। तो ये जो एग है ये एम्ब्रियोनेटेड हो जाता है एंड डेवलप लार्वी कॉल मेरासीडिया लार्वा बनाता है। तो आपको कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी जो फेशियोला का है और आपको सिस्टोसोमा का। तो ये आप समझिए, आसानी से लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके आप दोनों का लाइफ साइकिल पैटर्न लिख सकते हैं। ये बस आपको समझना है, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग का है। अगर आप दोनों को समझ गए तो आप आसानी से, अगर किसी का भी एक का पूछेगा तो आप लिख सकते हो। तो ये जो वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये मेरासीडियम लार्वा बनाता है, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो अब मेरासीडियम लार्वा क्या होता है, इन्वेड करता है किस में, एक्वेटिक स्नेल की बॉडी में एंटर करता है, वहाँ पे जाके ये सर्केरिया लार्वा बनाता है। सर्केरिया लार्वा पहले नहीं बनता है, पहले ये रेडिया लार्वा बनाता है। रेडिया लार्वा बनाने के बाद ये स्पोरोसिस्ट लार्वा बनाता है, देन सर्केरिया लार्वा बनाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये आप लिख सकते हैं जो अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। तो इन अमेरिसीडियम लार्वा जो होता है एंटर करता है एक्वेटिक स्नेल में एंड डेवलप इनटू रेडिया लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा एंड देन इनटू द सर्केरिया लार्वा। तो लास्ट में वो सर्केरिया लार्वा में डेवलप होता है। और ये सर्केरिया लार्वा, इसमें टेल होता है, एक ऐसा लार्वा होता है जो कि फ्री स्विमिंग होता है, यानी कैपेबल होता है स्विमिंग के लिए। जिससे जैसे कि स्नेल की बॉडी से ये रिलीज होता है वाटर में, ये स्विम करता है और जाके किसी भी एक्वेटिक वेजिटेशन के ऊपर सेट हो जाता है, सेटल हो जाता है। वहाँ से फिर ये जितने भी प्लांट्स या कैटल होते हैं उसको अगर खाते हैं उस प्लांट्स को, तो वो वेजिटेबल्स के थ्रू वो उनकी बॉडी में इन्वेड कर जाता है या पिनेट्रेट कर जाता है। तो यहाँ पे ये कैपेबल होता है विथ इट्स लार्ज टेल एंड इमर्जेज आउट इनटू वाटर टू स्विम फ्रीली। और ये स्नेल की बॉडी से बाहर आ जाता है और वाटर में स्विम करता है बाय मीन्स ऑफ इट्स टेल, अपनी टेल्स की हेल्प से। ओके, देन इट्स सर्केरिया सेटल डाउन ऑन एक्वेटिक वेजिटेशन पे ये सेटल हो जाता है। उसके बाद ये सेड ऑफ इट्स टेल वेयर इट फॉर्म द सिस्ट कॉल्ड मेटा सर्केरिया। तो इसके बाद ये अपने टेल को सेंड कर देता है, वहाँ पे जाने के बाद ये मेटा सर्केरी बनाता है। क्या बनाता है, मेटा सर्केरी लार्वा बनाता है, और जो कि सिस्ट होता है इसके और बाहर एक सिस्ट वॉल जैसी डेवलप हो जाती है, जिसको हम मेटा सर्केरिया लार्वा कहते हैं। अ ह्यूमन ईट द रॉ फ्रेश वाटर प्लांट। अब ये फ्रेश वाटर प्लांट को जब ह्यूमन ईट करता है उसमें सिस्ट होता है। अब ये मेटा सर्केरिया को ही सिस्ट कहा जा रहा है यहाँ पे। तो ये मेटा सर्केरिया लार्वा क्या होता है, रिच इन टू द गट एंड सिस्ट डाइजेस्टेड इन टू द होस्ट इंटेस्टाइन। तो ये जो सिस्ट जो डेवलप हो गया था मेटा सर्केरिया लार्वा में, ये जाके डाइजेस्ट हो जाता है जो ह्यूमन बॉडी है उसके इंटेस्टाइन में। एक एक्शन होता है जिसे हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। तो ये जो वॉल होती है या सिस्ट होता है ये ब्रेक हो जाता है एंड लेटर इंटर, और इसके बाद ये जो लार्वा होता है एंटर हो जाता है लीवर में, लेटर इंटर्स इन टू द लीवर एंड देन ग्रो इन टू एडल्ट फ्लूक्स इन बाइल पैसेज। तो ये बाइल पैसेज में जाके एडल्ट में डेवलप हो जाता है। ये क्या कॉज करता है, ये लीवर रॉट कॉज करता है इन डेफिनेट होस्ट। डेफिनेट होस्ट मतलब प्राइमरी जो होस्ट होता है जिसको हमने ह्यूमन कहा था, सेकेंडरी होस्ट या जिसे इंटरमीडिएट होस्ट कहा जाता है वो स्नेल होता है, जिसमें सिप और कैटल्स भी आ सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं। तो ये जाके वहाँ पे लीवर रॉट कॉज करता है। इसकी थेरेपी कैसे क्या यूज़ किया जाता है, इसके लिए ड्रग यूज़ किया जाता है हेक्साक्लोरो एथेन, और जिसे CCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। इसमें
फिनोथाइजीन भी यूज़ किया जाता है, टेट्राक्लोरोएथीन भी और फिलासीन भी यूज़ किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो जो अभी मैंने ये लाइफ साइकिल दिखाया फेशियल हेपेटिका का, जो ऊपर मैंने आपको पूरा ट्रीमेटोड्स के बारे में दिखाया था, अब मैं इसका एक आपको दिखा देती हूँ। इसमें रेडियल लार्वा भी पाया जाता है, स्पोरोसिस्ट लार्वा, सर्केरियल लार्वा, मेटा सर्केरिया भी पाया जाता है। लेट मी शो यू 1 मिनट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टोसोमा में क्या डिफरेंस था, सिस्टोसोमा में अगर हमने देखा था उसमें रेडियल लार्वा नहीं था, उसमें ये सिस्ट जो था ये सर्केरिया लार्वा टेल जो होता था वो पिनेट्रेट करता था ह्यूमन बॉडी में, इसमें सिस्ट डेवलप हो जा रहा है। तो देखिए डिफरेंसेस किस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये वेजिटेशन या प्लांट को अगर इंसान खा रहा है, या कोई भी कैटल रूमिनेंट्स जो होते हैं डिफिनेट होस्ट के अंदर आ सकते हैं, सिप हो सकता है, कैटल हो सकते हैं, जब ये प्लांट को करेंगे तो इसमें जो मेटासर्केरिया लार्वा होता है इसके सिस्ट को, इसमें सिस्ट डेवलप हो जाता है वॉल जैसा, तो ये जाके इंटेस्टाइन में इसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के हेल्प से। उसके बाद ये जो अपना डेफिनेट हैबिटेट है वहाँ पे जाता है बाइल पैसेज के थ्रू, फिर एडल्ट में डेवलप हो जाता है, वहाँ पे एग ले करता है, और एग ले जो होता है ये इमेच्योर या अनएम्ब्रियोनेट होता है, तो ये जाके रिलीज होता है स्टोलिया फिसेस के थ्रू। अब ये वाटर के कंटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, वाटर के कंटेक्ट में आने के बाद ये अनएम्ब्रियोनेटेड एग होता है, उसके बाद ये एम्ब्रियोनेटेड एग बन जाता है। देन ये क्या होता है, मेरासीडियम लार्वा में हैच आउट हो जाता है पानी में आने के बाद। अब ये स्नेल जो इंटरमीडिएट होस्ट है उसमें ये एंटर करता है, एंटर करने के बाद ये लार्वल स्टेज इसमें डेवलप होता है, जो स्नेल की बॉडी के अंदर स्पोरोसिस्ट लार्वा बनाता है, रेडियल लार्वा स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसके बाद सर्केरी लार्वा बनाता है जो कि फ्री स्विमिंग होता है या कैपेबल होता है, इसमें टेल होता है, ये टेल के थ्रू यहाँ पे बाहर आता है इसके बॉडी से। उसके बाद ये फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग होने के बाद ये इसके चारों तरफ सिस्ट बन जाता है ये, और ये मेटा सर्केरिया बनाता है, और ये जाके सेट हो जाते हैं यहाँ पे, और मेटा सर्केरिया लार्वा कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे टेल हट जाता है। तो इस तरीके से ये लार्वा स्टेज लार्वल पैटर्न है एक इसमें फेशियल हेपेटिका में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।